हेलो टू एवरीवन आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिमन्यु आईएएस एस यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ डिसमेंबर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश सो लेट्स बिगिन विद दिस न्यूज़ द फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल सो ये जो ए है इसको सेटअप किया गया है रिसेंटली सेटअप किया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल पुलिस के थ्रू इन ऑर्डर टू कॉम्बेट द ऑर्गेनाइज क्राइम इफेक्टिवली सो जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम है उसकी कैटेगरी में मनी लॉन्ड्रिंग एक इशू है उसी इशू को एड्रेस करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया बाय द हिमाचल पुलिस टू सेटअप दिस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डीजीपी ऑफ हिमाचल पुलिस लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट रिगार्डिंग दिस सेल अच्छा इस ये जो सेल है इसने इंफॉर्मेशन uh, शेयर की है विद द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ताकि दोनों जो है कॉर्डिनेट करके जो आगे टारगेट है जहां पर ये आ, ये चीजें हो रही हैं लॉन्ड्रिंग की इशू मनी लॉन्ड्रिंग का इशू हो, हो रहा है उनको टारगेट किया जा सके हिमाचल पुलिस के टारगेट के अंदर है माइनिंग माफिया और इनका जो नेटवर्क है काफी ज़्यादा अच्छा खासा नेटवर्क वहाँ पर बना हुआ है तो उसको जो है डिसमेडल करना उसको तोड़

वन इज़ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम्स एंड सेकेंड वन इज़ नॉन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम्स ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम्स के जो एग्जाम्पल्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सटॉशन है गैम्बलिंग है बेटिंग है एलिसट लिकर ट्रेड है ये सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं अब दूसरी कैटेगरी जो नॉन ट्रेडिशनल वाली है उसमें आप देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग आ गया देन सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी आ गया देन हवाला ट्रांसफर्स हो गए ठीक है हवाला नेटवर्क्स हो गए वो सब कैटेगरी जो होते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम के नॉन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम्स है राइट सो so, ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो जर्नली वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा और ग्रो होता जाता है जहाँ पे इनफोर्समेंट जो है लॉ का लॉ और ऑर्डर का वो, वो प्रॉपर नहीं है सो so, इंडिया के अंदर भी इसके कुछ कुछ एरियाज में नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है स्पेसिफिकली इन द बॉर्डर रीजन वहां पे बहुत ज़्यादा नेटवर्क है सो so, हम लोग इसी के रिगार्डिंग एक चीज़ और पढ़ते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स व्हाट आर द फैक्टर्स सो फर्स्ट सबसे पहली बात तो यह है कि फैक्टर नंबर वन इज़ इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ इलीगल गुड्स इन द ग्लोबल मार्केट सो ऐसे ग्लोबल uh, मार्केट में डिमांड होना uh, उन चीज़ों की जो इलीगल है फॉर एग्जाम्पल ट्रेड ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स ठीक है इनकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं ठीक है सो so इनका ट्रेड होता है ठीक है इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का ट्रेड होता है ड्रग्स का होता है राइट right? साथ ही साथ दूसरा फैक्टर ग्रोथ का इसीलिए दूसरा फैक्टर जो ग्रोथ का है दैट इज़ ज्योग्राफिकल टेरेन एंड ओपन बॉर्डर्स सो तो इसके रिगार्डिंग भी मैं आपसे बाद में बात करूंगा कि हमारी जो ज्योग्राफिकल टेरेन है वो ऐसी है जहां पे हम फंसे हुए हैं फंसे इन द सेंस कि हमारे दोनों साइड में इस तरीके से पूरा का पूरा नेटवर्क है जिसको जो नेटवर्क हमें हमारे एरिया में भी इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइज क्राइम की ग्रोथ में राइट तो ये चीज़ हम लोग बात करेंगे उसके अलावा जो है पॉलिटिशियंस जो होते हैं ब्यूरोक्रेट्स होते हैं क्रिमिनल्स होते हैं इनका अच्छा खासा एक नेक्सस बना होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइज क्राइम और ग्रो होते जाते हैं इसके अलावा हम लोग बात करते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये भी एक वन ऑफ द रूट कॉज है फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स हमने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स न्यूज़ में हमेशा रहता रहता है हमने कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ पढ़ा भी था जब पॉलिटिक्स Uh, uh, जब नेता लोग जो होते हैं जो लीडर है पॉलिटिकल लीडर उन्हीं के ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड हैं दैट दे आर इन्वॉल्व इन सम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उनके केसेस चल रहे हैं हीनियस क्राइम्स में केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं ठीक है बट स्टिल दे आर एक्टिव इन पॉलिटिक्स राइट इसके अलावा ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम में मेजर रीज़न अभी रीसेंट पास में ये भी देखा गया है कि टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा खासा ये लोग यूज़ करते हैं सो टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प देम टू ऑपरेट वेरी सेफली हिंस रिड्यूसिंग देर रिस्क डार्क वेब जो है आपने सुना होगा डार्क वेब में जो है uh, ये लोग एक्टिव uh, रहते हैं डार्क वेब ठीक है इसके अलावा आ, उसी से रिलेटेड है ज्योग्राफिकल टेरेन से रिलेटेड है साथ ही साथ ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड है नेक्स्ट पॉइंट दैट इज दैट इंडिया जो है वो प्रॉक्सिमिटी में है काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन के ठीक है सो ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन कौन कौन से हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें गोल्डन क्रीसेंट की ठीक है गोल्डन क्रीसेंट हमारे वेस्टर्न साइड में आता है वेस्टर्न साइड मतलब जहाँ पे ड्रग प्रोड्यूसिंग uh, होती है ओपीएम प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में आ, पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड ईरान ठीक है सो so ये तीन एरियाज हैं जहाँ पे ड्रग्स प्रोड्यूस होते हैं ये आगे जाके फिर इंडिया में भी इसका इंफ्लुंस देखा जाता है इसके अलावा गोल्डन ट्राइंगल गोल्डन ट्राइंगल जो है ईस्टर्न साइड में आपको गोल्डन ट्राइंगल मिलेगा म्यांमार रीज uh, रीजन जो है वहाँ पे अच्छा खासा ड्रग प्रोडक्शन होता है तो वो उसकी वजह से इंडिया जो है वो बीच में आ आने की वजह से वो सारी चीज़ें जो है इंडिया में भी इंफ्लुंस करती हैं और इंडिया में जो थोड़ा बहुत भी ऑर्गेनाइज क्राइम होता है कंट्रोल करती हैं एजेंसीज कंट्रोल करने के बाद जो है ऑर्गेनाइज क्राइम कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ दी क्रो क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद दी ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन्स ठीक है अब हम लोग बात करते हैं कि वट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर देयर इन कंट्रोलिंग द कंट्रोलिंग इशू ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर वन जब भी हमें फेस करने को मिलती है जब भी हमें एड्रेस करना है ये ऑर्गेनाइज क्राइम को तो पहला प्रॉब्लम आता है हमारा इनएडुकट लीड लीडर लीगल स्ट्रक्चर इनएडुकट लीगल स्ट्रक्चर हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास कोई स्पेशल लॉ नहीं है टू कंट्रोल और सप्रेस द ऑर्गेनाइज क्राइम अंडरस्टैंड सो वी डू नॉट हैव एनी स्पेशल लॉ टू कंट्रोल एंड सप्रेस द ऑर्गेनाइज क्राइम जो भी अभी एग्जिस्टिंग लॉज है दे आर एडुकेट वो एडुकेट नहीं है ठीक है टू टारगेट द इंडिविजुअल्स दे आर ओके टू टारगेट द इंडिविजुअल्स नॉट द क्रिमिनल ग्रुप्स और क्रिमिनल एंटरप्राइजेस ठीक है इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम यह आता है वाइल्ड कंट्रोलिंग दीज ऑर्गेनाइज क्राइम्स इज डिफिकल्टी इन ऑप्टेनिंग द प्रूफ प्रॉपर प्रूफ हो ही नहीं पाता है ठीक है so, सो विटनेस जो है वो चाहता नहीं है कि सामने आए ठीक है वो उसको डर लगा रहता है कि कहीं मेरी जान ना चली जाए और इनफैक्ट जो विटनेस का कोई उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ भी नहीं है कि एनी लॉ दैट विल प्रोवाइड दैट विटनेस प्रॉपर प्रोटेक्शन तभी वो आगे जाके ऑर्गेनाइज जो गैंग्स होती हैं जो क्राइम्स कर रही हैं उनके अगेंस्ट अपनी ज़ुबान खोलेगा तो वो लॉ भी मिसिंग है इसके अलावा जो इन्फॉर्मर्स होते हैं वो भी, uh, वो भी सामने नहीं आना चाहते वो भी सामने नहीं आना चाहते ठीक है बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा दैट इज अटैच ठीक है टू बींग एन इनफॉर्मर ठीक है इसके अलावा हम लोग बात करते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग ठीक है सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो लॉ एंड ऑर्डर जो है दैट कम्स अंडर द स्टेट सब्जेक्ट और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मेंटेन कर रही है है ना सो so, पुलिस जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है सो so, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट uh, गवर्नमेंट uh, को या पुलिस को इफेक्टिव रोल प्ले करना चाहिए लेकिन पुलिस उतना इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर पाती इसका रीजन ये है बिकॉज दे हैव रिसोर्स क्रंच दे हैव रिसोर्स क्रंच दे डू नॉट हैव सेपरेट रिसोर्सेज एडिकुएट रिसोर्सेज टू एड्रेस फॉर द प्रॉपर जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं उनको कम करने के लिए उनके पास सेपरेट रिसोर्सेज नहीं है राइट right. इनफैक्ट जो नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल्स हैं जो पोस्टेड होते हैं पुलिस स्टेशन में वो भी बहुत कम होते हैं उनके पास स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी नहीं होती है कि वो ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम्स के अगेंस्ट जो है वो लड़ पाए ठीक है तो ये कहीं ना कहीं रिसोर्सेज और ट्रेनिंग में कमी होने की वजह से होती है इसके अलावा लैक ऑफ कॉर्डिनेशन सो इंडिया के पास कोई नेशनल लेवल की एजेंसी नहीं है टू कोर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ स्टेट एंड सिटी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज सेंट्रल पुलिस एजेंसीज जो होती हैं उनके बीच में एक अच्छे से कॉर्डिनेट हो पाए बिकॉज नेशनल लेवल एजेंसी इज मिसिंग अभी भी ठीक है फॉर कॉम्बैटिंग द ऑर्गेनाइज क्राइम्स ठीक है सो इंडिया के पास ऐसा नेशनल लेवल एजेंसी नहीं है जो कि स्टेट पुलिस के साथ अच्छे से काम कर पाए कॉर्डिनेट करे इनफैक्ट द सेंट्रल लेवल एजेंसी के साथ भी कॉर्डिनेट कर पाए तो कॉर्डिनेशन मिसिंग होने की वजह से नेशनल लेवल एजेंसी मिसिंग होने की वजह से कोऑर्डिनेट में प्रॉब्लम आती है और इसकी वजह से अल्टीमेट जो रिजल्ट होता है वो फेवर में नहीं होता ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ता रहता है इसके अलावा लीडरशिप के बारे में पता ही नहीं है कि उस ऑर्गेनाइज क्राइम का जो ग्रुप है उसका लीडर कौन है अगर लीडर पकड़ा जाए तो पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो आपके कंट्रोल में आ जा आ जा सकता है लेकिन लीडरशिप की अनोनमिटी रहती है क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स होते हैं ये हयार्कियल मैनर में स्ट्रक्चर होते हैं इट बिकम्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दीज लीडर्स ठीक है एज सच ग्रुप्स कीप चेंजिंग लीडरशिप टू अवॉइड द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तो इनके जो लीडर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं तो बहुत मुश्किल होती है अब हम लोग बात करते हैं कि सजेशन क्या होने चाहिए वट आर वट शुड बी द प्रॉपर वे फॉरवर्ड यही बताया जा रहा है कि वी नीड टू क्रिएट अ वन सेंट्रल एजेंसी मैंडेटेड अंडर द लॉ जो कॉर्डिनेट करे स्टेट एजेंसीज के साथ सारे के सारे जितने भी इश्यूज़ हैं दैट आर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज क्राइम नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट इज इंटेलिजेंस हमारे को इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा ठीक है इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क बिकॉज ऑर्गेनाइज क्राइम्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनमें एनोनिमिटी काफ़ी होती है उनमें उन उनमें पता नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है कौन लीडर है ये सारी चीज़ें तो इंटेलिजेंस इतनी इंप्रूव हो जाए कि हमें पता चल सके उनके फुट स्टेप्स का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ठीक है उसके अलावा कोऑपरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी ठीक है आई इज नीडेड टू कअ द क्राइम्स विद नो बॉर्डर्स ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ इस रीजन में ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है तो इस रीजन की एजेंसीज ही रिस्पॉन्सिबल हो ठीक है ऑल ओवर वर्ल्ड को ये ग्लोबल लेवल पे एक कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है क्योंकि एक जगह पे अगर क्राइम होगा तो उसका इंपैक्ट दूसरी जगह पर जरूर पड़ेगा आज नहीं तो कल तो जरूर पड़ेगा ठीक है तो इसके लिए ग्लोबल एफर्ट्स की जरूरत होगी ग्लोबल एफर्ट्स को इकट्ठे करके ही करना पड़ेगा सारा नाउ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज इज हाई कोर्ट जजेस नाउ एलिजिबल फॉर लोकायुक्ताज पोस्ट ये जो लोकायुक्ता पोस्ट है इसके लिए हाई कोर्ट जजेस अब एलिजिबल है सो so, बिल पास हुआ स्टेट असेंबली के अंदर इस बिल का नाम था एच पी लोकायुक्ता अमेंडमेंट बिल ट्वेंटी इसमें यह कहा गया कि पहले क्या होता था पहले लोकायुक्ता की पोजीशन में केवल और केवल ओनली चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एलिजिबल है और या तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एलिजिबल है ठीक है बट इस बिल की प्रपोज इस बिल में अब ये पास कर दिया गया है तो अब इसमें यही प्रपोजल दिया गया था कि जजेस ऑफ द हाई कोर्ट जो होंगे दे विल ऑल्सो भी एलिजिबल फॉर द लोकायुक्ता इन द स्टेट फॉर द पोस्ट ऑफ लोकायुक्ता इन द स्टेट अब सवाल यही आता है कि वॉट आर लोकपाल एंड लोकायुक्ता सो देखिए लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 के हिसाब से ये बोला गया है दैट फॉर द स्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल फॉर द यूनियन एंड लोकायुक्ता फॉर द स्टेट स्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल फॉर द यूनियन होगा एंड लोकायुक्त स्टेट के लिए होगा ये जो इंस्टीट्यूशन है ये स्टैचरी बॉडी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ये स्टैटरी बॉडी है इनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन ओबंटमेंट मतलब ओबंट्समेंट मतलब कि जब भी कोई करप्शन का एलिगेशन uh, की बात आएगी किसी किसके ऊपर किसी पब्लिक फंक्शनरी या उससे रिलेटेड मैटर से करप्शन की बात आएगी तो उस सिचुएशन में ये जो लोकपाल है लोकायुक्ता है ये काम करेंगे इंक्वायरी का प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी राइट right? क्यों इनको स्टैब्लिश किया गया जब ऑलरेडी एजेंसीज थी जैसे सीबीआई हो गई ठीक है तो इनको क्यों स्टैब्लिश किया गया जब भी किसी पब्लिक के ऊपर पब्लिक फंक्शंस के ऊपर या ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कोई करप्शन uh, के चार्जेस लगेंगे या पब्लिक सर्वेंट के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगेंगे तो इनको ही क्यों सेपरेट इनको स्टैब्लिश किया गया इसका रीज़न क्या है देखिए इसका रीज़न ये है क्योंकि मैल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहली बात तो है मैल एडमिनिस्ट्रेशन इसका मतलब ये है कि मैल एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा टमाइट है दीमक है जो धीरे धीरे पूरी नेशन के फाउंडेशन को ख़त्म कर देता है ठीक है और आ, एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत डालता है और इसका जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन का रूट कॉज है दैट इज करप्शन ठीक है सो मोस्ट ऑफ द एंटी करप्शन एजेंसीज आप देखते हो जैसे दे आर हार्डली इंडिपेंडेंट दे आर इंडिपेंडेंट वी कैन से नो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंपल सीबीआई के बारे में ये कह दिया था रिसेंट पास के अंदर दैट सी बी आई इज़ अ केज्ड पैरट या फिर मास्टर्स वॉइस ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था सी बी आई के लिए दे आर मेजरली जैसे ये जो सी बी आई है या एंटी करप्शन एजेंसीज है दे आर मेजरली दोज एजेंसीज देट हैडवाइजरी फंक्शन टू प्ले एडवाइजरी फंक्शन टू प्ले विदाउट हैविंग एनी इफेक्टिव पावर ठीक है ज़्यादा इनकी कोई इफेक्टिव पावर भी नहीं होती अब बैकग्राउंड की बात करें तो ये इंस्टीट्यूशन uh, कैसे आया कहाँ से आया देखिए एटीन जीरो नाइन में 1809 की बात है ये जो इंस्टीट्यूशन था ओबर्ट्समैन का वाज इनाग्रेटेड ऑफिशियली इन स्वीडन स्वीडन में इसको इनाग्रेट किया गया न्यूजीलैंड नॉर्वे अडॉप्टेड द सिस्टम इन द ईयर 1962 के अंदर ठीक है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये जो है सिस्टम ने प्रूफ हुआ कि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ठीक है बहुत बेनिफिशियल है फॉर द सोसाइटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन फिर जहां तक हम लोग बात करें 1966 की ग्ञाना जो है इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री डेवलपिंग कंट्री पहली डेवलपिंग नेशन था जिसने ये जो कॉन्सेप्ट है ओबर्ट्समैन का इसको एडॉप्ट किया आगे जाके बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट किया दैट इज मॉरिशियस सिंगापुर मलेशिया इंडिया एज वेल ठीक है इंडिया की बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल uh, ओमर्ट्समैन का इट वाज़ फर्स्ट प्रपोज बाय देन द लॉ मिनिस्टर क्या था इनका नाम अशोक कुमार सेन इन पार्लियामेंट इन अर्ली नाइनटीन में ठीक है और ये जो टर्म है लोकपाल एंड लोकायुक्त का वर क्वाइंड बाय सिंघवी डॉक्टर एल एम सिंघवी के द्वारा जो है इस टर्म को डिटरमाइन किया मतलब कॉइन किया गया है राइट चलिए हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन सो ये जो पर्टिकुलर रेगुलेटरी कमीशन है क्या नाम है इसका एचपी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन इन्होंने डिसाइड किया है दे हैव डिसाइडेड कि हम लोग एक ऐसा पूल क्रिएट करेंगे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का जो आगे जाके जो इंस्टीट्यूशन है हिमाचल के जो इंस्टीट्यूशन है यूनिवर्सिटीज़ है कॉलेजेस हैं वहाँ पे जाके यू नो वहाँ पे सर्विसेज दे पाए मतलब अपनी जो टीचिंग है उनको इम्पार्ट कर पाए ठीक है इसका रीज़न यही है क्योंकि अभी एट प्रेजेंट ये पाया गया फ्रॉम दी बाय दी रेगुलेटरी कमीशन ये जो पर्टिकुलर रेगुलेटरी कमीशन है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो टीचर्स हैं दे आर इन एलिजिबल दे आर इन एलिजिबल विद देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन राइट सो आगे देखते हैं क्या इसमें है कि डॉक्यूमेंट्स uh, को स्क्रीन किया गया 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के और उसमें पाया गया कि 10 से 15 परसेंट जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं दे आर इन एलिजिबल ठीक है फॉर देयर रिस्पेक्टिव पोस्ट इट वॉज दैट द फैकल्टी मेम्बर जो है जो रिक्वायर्ड चाहिए होता है पोजिशन में उस पोजिशन में सर्व करने के लिए आपको क्या चाहिए यू नीड टू हैव रिक्वायर्ड डिग्रीज राइट क्वालिफिकेशन वो क्वालिफिकेशन इनके पास है ही नहीं ठीक है ये पाया गया कि दे डिड नॉट फुलफिल द यू जी सी नॉर्म्स इनफैक्ट सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज ने ये भी नहीं बताया कमीशन को कि रिगार्डिंग द नेट या पी एच डी किया है कि नहीं किया है उन लोगों ने ठीक है so, सो ये जो इंस्टीट्यूशन से दिवर टोल टू रिप्लेस द इन एलिजिबल फैकल्टी यही बोला गया है बाय द रेगुलेटरी कमीशन कि आप जल्दी से जल्दी इन जो जो यूजीसी नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं टीचर्स फैकल्टी उनको आप रिमूव कर दीजिए ठीक है और इसका जो है सोल्यूशन कैसे निकाला गया है कि आप, आप कौन आएगा उनकी जगह कौन आएगा सो रेगुलेटरी कमीशन ने ये पुल बनाने बनाया है इसका प्रपोजल रखा है कि जो भी बच्चे जो भी बच्चे जो है स्टेट यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई होते हैं वो इस पूल का हिस्सा बन सकते हैं इस पूल का हिस्सा बन सकते हैं विद पी एच डी एंड नेट क्वालिफिकेशन सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पी एच डी कर रहे हैं नेट क्वालिफाइड कर चुके हैं और उनका एक पूल बनाया जाएगा ताकि आगे जाके उनको जो है रखा जाए इन दीज यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे स्टाफ जो है फैकल्टी जो है वो अनक्वालिफाइड uh, है पूरे नॉर्म्स को कंप्लीट नहीं कर रही है राइट तो इसका सोल्यूशन इस तरीके से किया गया है ना एक छोटी सी न्यूज़ है बस पढ़ना है इसमें फेयर प्राइस शॉप जो है इन uh, हिमाचल प्रदेश दे आर नाउ गोइंग टू सेल फाइव के जी सिलेंडर सो फाइव के जी एल पी जी सिलेंडर जो है ये फेयर प्राइस शॉप के जो ओनर हैं कंसेंट दे दी है ओनर्स ने कंसेंट दे दिए है दैट वी आर गोइंग टू सेल दिस एल पी जी सिलेंडर ऑफ फाइव के जी ठीक है इट जस्ट अ सिंपल वेरी नॉर्मल न्यूज़ तो इस इसको इंक्लूड कर दिया गया है ठीक है सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू